त्यक्ति न भुंजी था, त्यागपूर्वक हम भोगें जीवन को, त्यागपूर्वक, और जो है उसमें ऐसी भावना रहे वो मेरे लिए नहीं है, ना इधर नमम वो मेरे लिए नहीं है, ये भावना भारत की है। और इसी भारत की भावना से न जाने कितने संगठन ऐसे हैं जो सामने ही नहीं आए हैं, जिस ढंग से हम गौ की सेवा के लिए हैं, दीन दरिद्र के लिए, उपेक्षित अभावग्रसित के लिए, अथवा हम अन्यों के लिए जिस ढंग से हम समर्पित हैं, हम तो ऐसा भी मानते हैं कि सारे अंश मेरे लिए नहीं है, वो अंश दूसरों के लिए। अखिल विश्व गायत्री परिवार के रचनात्मक आंदोलनों को जनजातीय क्षेत्र में गति देने के लिए पंडित मेवालाल पाटीदार को संत ईश्वर सम्मान से सम्मानित किया गया। संत ईश्वर फाउंडेशन एवं राष्ट्रीय सेवा भारती के संयुक्त तत्वावधान में होने वाला संत ईश्वर सम्मान समारोह 13 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ। मैं इस पूरे परिवार के मूल में जाऊं तो वहाँ परमार्थ का ही बीज है, वहाँ सब कुछ देना ही है, समर्पित होना ही है, और ये सेवा का कार्य बिना त्याग के संभव नहीं है। ये सेवा का कार्य सब कुछ आहूत करने जैसा है, तो इस परंपरा में, इस संत ईश्वर सम्मान की परंपरा में एक परिवार का समर्पण, त्याग, उनकी सात्विकता, उनका औदार्य, उनकी निश्चल वृत्तियाँ, ये सब एक साथ दृष्टिगोचर होती है। एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित सम्मान समिति द्वारा इस विशेष सम्मान के लिए ऐसे व्यक्ति अथवा संगठन का चयन किया जाता है जो जनजातीय कल्याण, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल कल्याण जैसे क्षेत्रों में सुविधाओं के अभाव में भी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। जनजाति हेतु उत्कृष्ट योगदान के लिए इस पुरस्कार हेतु मध्य प्रदेश से पंडित मेवालाल पाटीदार के अतिरिक्त सिक्किम, मिजोरम व कर्नाटक के भी एक एक समाज सेवी का सम्मान हुआ है। पंडित जी के द्वारा जनजाति अंचल में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, जंगल, जमीन के संरक्षण, नशा मुक्ति तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के कार्य अनुकरणीय हैं। कि जब व्यक्ति सेवा के मार्ग में चलता है या उसके भीतर औदार्य, परोपकार की भावना अथवा पारमार्थिक प्रवृत्तियां उसकी जब जागृत होती हैं, तो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाता, व्यक्ति संस्था बन जाता है, और संस्थागत व्यामोह, वहाँ की संकीर्णता, वहाँ की आसक्ति, जड़ता से भी अगर मुक्त हो जाए तो व्यक्ति फिर सिद्धांत बन जाता है, और वह सिद्धांत अगर सबके लिए है, सेवा में खुद को विस्मृत कर दिया गया है, सेवा में व्यक्ति अपने आप को भूल गया है, तब वो व्यक्ति धर्म बन जाता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। एक व्यक्ति किस तरह से संस्था बना, कैसे वो संगठन बना, और फिर किस तरह से वो धर्म हो गया, तो कभी कभी व्यक्ति धर्म हो जाता है। अपने चयन का श्रेय पंडित जी अपने गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं उनके द्वारा चलाई गई युग निर्माण योजना को देते हैं। विदित हो कि पंडित जी द्वारा संचालित गायत्री धाम सिंधवा में जनजातीय बच्चों के लिए गुरुकुल के अतिरिक्त एक आदर्श गौशाला, स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वावलंबन केंद्र आदि अनेकों रचनात्मक गतिविधियां संचालित हैं, जिनसे अब तक लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। पंडित जी के अनुसार यह विशेष सम्मान उन सभी गायत्री परिजनों के परिश्रम का परिणाम है जो निस्वार्थ भाव से सुविधाओं के अभाव में भी मानवीय उत्कृष्टता का गहन अनुसंधान कर रहे हैं। अग्नि का धर्म दाहकता है, जल का शीतलता है, अन्न का पाचकता पौष्टिकता है, धरा में उर्वरा है, आकाश में अनंतता है, तो सेवा आपको अनंत बनाती है। ये मैं आपको मूल मर्म बता रहा हूँ, भेद की बात है। जैसे आप सेवा के लिए प्रस्तुत होते हैं तब आप अनंतता से जुड़ जाते हैं, फिर आप अनंत हो जाते हैं,
फिर आप एक नहीं रह जाते, फिर वो जो व्यष्टिगत भावना है वो खो जाती है, आप समष्टि हो जाते हैं। और सेवा भारतीय संस्कृति की मूल अभिव्यक्ति है। जो सेवा है वो भारतीय संस्कृति का मूल दर्शन है। मैं अन्य परकियों के सेवा कार्यों से कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ। अन्य में छल की प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं, प्रकाशन की प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं, अधिक आदर पाने का भाव पैदा हो सकता है, पर जिनको आपने चिन्हित किया है इन सबको, ये सारे के सारे वो सुदूर क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग हैं। आदरणीय मीनाक्षी जी ऐसा कह रहे थे कि वो सम्मान पाने के लिए नहीं कर रहे थे, उनका कार्य तो बिल्कुल बड़ा निश्चल है, बड़ा निर्दोष और बड़ा सहज और स्वाभाविक। तो वो कार्य को पहचाना गया ईश्वर संत फाउंडेशन के द्वारा और आदर किया गया है इस बात का कि वो एक निश्चल मन से कार्य कर रहे हैं। एक बात समझ में आई कि जब हम लोक मंगल के कार्य में जब प्रवृत्त हुए तो इसमें कुछ दिनों के लिए विरोध, उपेक्षा, असहयोग, मैंने इसको अपने जीवन की पात्रता विकास का एक परीक्षा की घड़ी मानी। निश्चित है ऐसा एक लोक सेवी के साथ होना भी चाहिए। यदि हमारी प्रामाणिकता, हमारा स्वयं का आत्मविश्वास और अपना पूरा जुनून जब तक हम सेवा कार्य के लिए और अंतिम व्यक्ति के भले के लिए हमारी स्पष्ट प्रामाणिकता और नीतियाँ जब तक समाज को हम विश्वास में नहीं लेते हैं, जब तक प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है और जब अनेक लोगों का जन सहयोग मिलने लगता है तो यही कार्य आसान हो जाता है और छोटा सा दीप एक दिन दावानल मसाल बन जाता है। लेकिन कुछ लकड़ियाँ हैं जो समेधा बनकर हवन कुंड को समर्पित हैं, कुछ लकड़ियाँ, और फिर वो समेधा बन गई हैं, वो फिर वो विभूति जो बनी है वो माथे से लगाई जा रही है, वो भस्म बन गई है। हाँ, कुछ लकड़ियाँ ऐसी हैं ना, केवल चूल्हे की अग्नि को में जल रही हैं, कुछ शमशान में भी हैं, और वो अदाह संस्कार के भी कार्य में आ रही हैं, पर वो विभूति किस ढंग की है, चूल्हे की विभूति या भस्म किस ढंग की है, उसे तो भस्म कहते भी नहीं, उसे तो राख कहते हैं। भस्म तो हवन कुंड से बनती है। किस ढंग से आप होम कर रहे हैं अपने को, किस ढंग से जी रहे हैं आप? तो ईश्वर संत फाउंडेशन ने जब देखा कि ये केवल हमारा ही कार्य नहीं है, तो पूरे समाज का कार्य है और समाज को समाविष्ट करना है, तो ये एक बड़ा उनके पास भाव है, औदार्य भाव है। जिस ढंग से पूरे भारत का यहाँ सम्मान होते हमने देखा, वनवासियों का, गिरिवासियों का, और सुदूर क्षेत्रों से आए अथवा विद्या के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, अन्य अक्षर औषधि के लिए जो समर्पित हैं, उत्तराखंड से, अरुणाचल से, पूरे देश को हम यहाँ सम्मानित होते हुए देख रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि भारत के स्वभाव में ही सेवा है और देना है। हमारा आत्मभाव से विश्वास है, यदि समाज का हर व्यक्ति ये तय कर ले, यदि मैं समर्थ हूँ तो एक निःशक्त व्यक्ति को गोद ले ले, चाहे हमारी फील्ड कोई से भी हो, चाहे ग्राम विकास की हो, गौपालन की हो, वृक्षारोपण की हो, या शिक्षा से जुड़ा, या भारतीय जीवन मूल्यों की रक्षा का कोई अनुष्ठान या अभियान हो, तो एक आत्मविश्वास से कहेंगे कि जो हम अपने लिए चाहते हैं वो मूल शक्ति हमारे जीवन के त्याग और सेवा में ही समाहित है। अर्जित करना, इकट्ठा करके छोड़ करके जाना, इससे बड़ी और मनुष्य के जीवन के लिए मूर्खता और भूल क्या हो सकती है। उस भूल को आदमी जितनी जल्दी सुधार लेगा उतनी जल्दी लोक मंगल के रास्ते पर प्रवृत्त हो जाएगा। और उस पूरी सेवा प्रवृत्तियों में जिस ढंग से आज देश खड़ा हुआ है इन 8 वर्षों में, आप भी उस दल का एक सक्रिय प्रभावी हिस्सा हैं, और मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि हमारा देश अपने उस सेवा के भाव को अथवा अपनी मूल अभिव्यक्ति को निरंतर सुरक्षित रखे हुए, और यही चीज़ें हमें आगे लेकर जाएंगी। मैं ये कहते हुए कि आने वाली शताब्दी भारत की है, और इस कारण से कि हमारे पास सेवा है, परमार्थ है, हम देना जानते हैं, ये इदन्नमम का जो भाव है हमारा, ये जीवंत रहना चाहिए। मैं इस पुरस्कार को मेरा व्यक्तिगत सम्मान न समझ करके
अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, युग ऋषि जिन्होंने युग को, राष्ट्र को एक सृजन की दिशा दी और सज्जन शक्ति को संगठित करके हम जैसे युग शिल्पियों का निर्माण किया। मैं आत्मभाव से कहूँगा कि ये सम्मान उन ग्रामीण अंचलों का है जहाँ हमने पुरुषार्थ किया, ये सम्मान उन युग ऋषि का है जिन्होंने मेरा निर्माण किया, ये सम्मान करोड़ों गायत्री परिजनों का है जिनका तप, त्याग, पुरुषार्थ, समय, साधन और प्रभाव का अंश हमारे अभियान में सहयोग के रूप में मिला। उन सबको ये सम्मान जाता है जिन्होंने इस अभियान को यहाँ तक लाने के लिए कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके विचार क्रांति अभियान के ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल को विश्वव्यापी चेतना के इस मंच के ऊपर पहुँचाने में हमें सुयोग अवसर प्रदान किया।